नमस्कार। आज हम अनेकार्थी शब्द के उदाहरण करेंगे। इसमें अनेकार्थी शब्द की सबसे पहले हम परिभाषा करेंगे। तो परिभाषा क्या है? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि अर्थ अलग अलग होते हैं और शब्द एक ही होता है, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेकार्थी का तो मतलब ही यह है कि एक से अधिक अर्थ देने वाला। भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अनेकार्थी होते हैं, खासकर यमक और श्लेष अलंकारों में इसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। आज हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में पहला है रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ पर पानी का क्या तात्पर्य है? लाज लज्जा, बिन पानी सब सून। यहाँ पर बिना पानी के सब सून है, पानी यानी जल। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी मोती की चमक होती है। एक तो पानी का तात्पर्य यहाँ पर क्या किससे है? मोती की चमक से है। और मानुष की बात करें तो मानुष का पानी होता है उसकी इज्जत या उसकी शर्म जो है वह है। और चून यानी जल। चून में जब जल डालते हैं आटे में तभी आटा भिगोया जाता है और रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पर पानी के अलग अलग अर्थों में प्रयोग में लिया गया है, जैसे मोती के लिए चमक और मानव के लिए इज्जत और आटे के लिए पानी। तो शब्द एक ही है, अर्थ अनेक हैं, इसीलिए यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए आप, चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। यहाँ पर देखो लक्ष्मी, सबसे पहले चंचला शब्द जो आया है उसका तात्पर्य है लक्ष्मी। चंचला के घर से यानी चंचला यहाँ पर स्त्री है, और चंचला चमक पड़ी यानी बिजली चमक पड़ी। तो चली चंचला चंचला के घर से, तभी चंचला चमक पड़ी। यहाँ पर बिजली का प्रयोग है, एक ही शब्द है, अलग 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 अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आज ये हमने देखे अनेकार्थी शब्द के एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।